हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि फिटनेस। और काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, और एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं आज कि एक प्रोडक्ट है, फास्ट एंड अप वे प्रोटीन है ये, तो इसका हम रिव्यू करेंगे आज। डिटेल रिव्यू मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात गाइस, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपके पास में आ जाए। अब हम बात करते हैं फास्ट एंड अप के वे प्रोटीन के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको, हाईली रिकमेंड मैं आप इस प्रोडक्ट को मैं करूंगा। सो गाइज, नो ब्लोटिंग इश्यू, नो स्टोमक अपसेट, और इजी टू डाइजेस्ट है ये। और सबसे खासियत ये कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आपने अगर सुना होगा तो इंडिया में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है। आजकल हम बहुत ज्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, स्टोन प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमेशा प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही यूज आप करें, और ये कंपनी उसमें खरी उतरती है। तो इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, फास्ट एंड अप का वे प्रोटीन। और गाइस, मैंने काफी रिसर्च करी है तभी आप लोगों के सामने मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, इसका रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू में मैं इसको 5 में से 4.9 दूंगा। 1% सिर्फ मैं इसका इसलिए करूंगा कि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा प्राइस में इसमें डिफरेंस है, वो भी इन्होंने, मैंने जब इनकी मार्केटिंग टीम से बात की तो वो भी इन्होंने समस्या एक तरह से सोल्व कर दी है, वो मेरे लिए ही, क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ एक तरह से कोलैबोरेट कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जितनी भी ऑडियंस है, आपकी यूट्यूब पे ऑडियंस है या कहीं भी ऑडियंस है, अगर वो इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपके ऑडियंस को हम एक्स्ट्रा 10% देंगे। तो गाइज, मैं अपना कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे मैं आपको कोड बता भी देता हूं, FUP RISIS 10। तो इनकी वेबसाइट पे कोई भी डिस्काउंट चल रहा होगा, 25% चल रहा या 30% चल रहा हो, कोई भी डिस्काउंट चल रहा हो, उसके बाद भी 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल जाएगा। तो गाइज, हाईली रिकमेंड मैं इस प्रोडक्ट को कर रहा हूँ। 10 से 15 दिन हो गए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। टेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसका क्रीमी कॉफी टेस्ट है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई प्रोटीन अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई कोल्ड कॉफी और बहुत ही टेस्टी कॉफी पी रहा हूँ। और गाइज, मसल बिल्डिंग में ये बहुत ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि काफी रिसर्च करने के बाद में और अपने आप इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में मैं आप लोगों से ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करें। बाकी मैंने इसके बारे में आपको जो भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है मैंने दे दी है, ये बताई दिया कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और मिक्सिंग में कोई इश्यू नहीं है, स्टोमक अपसेटिंग की कोई बात नहीं है, और जो टेस्ट की बात है वो भी मैंने आपको बता दी है, और बाकी जो इजी टू मिक्स वाली है वो भी मैंने आपको बात बता दी है। तो गाइस, इस प्रोडक्ट को मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसको यूज कीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद लें। जब भी आपको किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो उसकी वेबसाइट पे ही जाके आपको खरीदना चाहिए। अगर आपको बाहर से प्रोडक्ट खरीदना हो तो www.com लगा होगा, उसके पीछे अगर इंडिया से आपको खरीदना है, फास्ट एंड अप इंडिया की वेबसाइट पे आपको जाना है, तो www.fastupindia.co.in होगा, या इनका ऐप भी है, आप इनके ऐप में जाइए और ऐप में जो भी आपको प्रोडक्ट लेना हो, वे प्रोटीन लेना हो या इनकी मल्टी वाइटामिन लेना हो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी मैंने इसका रिव्यू कर लिया है तो मैं वाइटामिन के ऊपर भी इसकी एक वीडियो, एक फुल रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूं। अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फास्ट एंड अप का वे प्रोटीन आप जरूर लें, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर कोई ये कोड यूज करना चाहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को शेयर कर देना, अगर ये 10% एडिशनल 10% का कोई कूपन इस्तेमाल कर ले तो बढ़िया ही हमारे लिए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेक्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू आपको लेके आने वाला हूं। ये वीडियो मैंने जिम में इसलिए नहीं बनाई कि नॉइज वहां बहुत ज्यादा रहता है, तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना इसका रिव्यू दे दिया जाए। तो बाय बाय गाइज।